सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है मानसिक शांति के लिए भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश। भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग दुख से मुक्ति पाकर शाश्वत आनंद में स्थित हो जाने का मार्ग है। उन्होंने सत्य, शांति और अहिंसा की शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक नई राह दिखाई थी। उनके आदर्शों और सिद्धांतों का अनुसरण करके निश्चित रूप से ही मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। आइए मानसिक शांति के लिए भगवान बुद्ध के उपदेशों को जानें। वे कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सुखद और रचनात्मक विषयों के बारे में सोचें। रचनात्मक सोच के साथ बिताया हुआ एक क्षण एक दिन को सुंदर और सुखद बना सकता है। एक दिन एक जीवन को और एक जीवन इस पूरे संसार को सुंदर और सुखद बना सकता है। अपने कार्य, व्यवहार और आचरण में हर प्रकार के अति से बचते हुए मध्यम मार्ग को अपनाओ। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे सुरीले स्वर ही नहीं निकले। मानसिक शांति चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को सीमित करो। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। यदि आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और यही क्रम चलता रहता है जो अशांति को जन्म देता है। बौद्ध दर्शन का एक सूत्र है, अपय दीपो भवे, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि अपना उद्धार स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें, नहीं दूसरों से किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करें, क्योंकि अपेक्षा से दुख उत्पन्न होता है जिससे मानसिक शांति नष्ट होती है। संदेह या शक एक भयंकर बीमारी है, एक नकारात्मक आदत है। इसके कारण भटकन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। स्वभाव अत्यंत आत्म केंद्रित और सोच संकुचित हो जाती है। अतः संदेह का त्याग करके ही प्रसन्नता और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। एक जलते हुए दीपक से सैकड़ों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस एक दीपक का प्रकाश कम नहीं होता है। इसी प्रकार प्रसन्नता या खुशी बांटने से कम नहीं होती है, बल्कि वह खुशी कई गुना बढ़ जाती है। जो बीत गया उसके बारे में विचार नहीं करें और न ही भविष्य के बारे में चिंता करें, क्योंकि ये दोनों आपके नियंत्रण में नहीं है। आप केवल वर्तमान को सुंदर बनाएं। यही सुंदर वर्तमान आपका भूतकाल बनता है, और यही सुंदर वर्तमान आपका भविष्य बनेगा। यह खुश रहने का एक सरल मार्ग है। संतोष सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है, और मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध के उपदेश समाप्त हुए।